सीलमपुर से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मतीन के बेटे जुबेर गए आम आदमी पार्टी में। जुबेर की पत्नी निगम पार्षद शगुप्ता भी गई आप में। आम आदमी पार्टी में नाराजगी, अब्दुल रहमान ने दिया इस्तीफा। पूर्वी दिल्ली के बाजारों में दिखी धनतेरस की रौनक। भीड़भाड़ की वजह से नहीं मिल रही दुकानदारों को फुर्सत। दुकानदार की शिकायत, सोना महंगा होने से बिक्री कम। आतिशी ने जताई सरकारी स्कूलों को बेचने की आशंका। लोगों से कहा आप सरकार गई तो सरकारी स्कूल प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, फीस में भी हो जाएगी भारी बढ़ोतरी। मंडावली में सिसोदिया के साथ किया सरकारी स्कूल का उद्घाटन। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर। सभी जिलों में किया जा रहा फ्लैग मार्च। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने लक्ष्मी नगर में सुरक्षा का किया निरीक्षण। कृष्णा नगर में किया गया मॉक ड्रिल। आनंद विहार बस स्टैंड पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़। त्योहारों को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोगों ने बताया यूपी जाने वाली लगभग सभी बसें हुई फुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली की राजनीति में बड़ी घटना हुई है। कांग्रेस के बाबरपुर जिला अध्यक्ष चौधरी जुबेर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जुबेर चौधरी ने आज अपनी पत्नी और चौहान बांगर से मौजूदा निगम पार्षद शगुफ्ता चौधरी के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जुबेर अहमद पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे हैं और कांग्रेस में अब उनका काफी असर दिखाई दे रहा था। जहाँ उनके जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं आम आदमी पार्टी में भी हलचल मच गई है। जुबेर को आम आदमी पार्टी में शामिल कराए जाने के विरोध में पार्टी के मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान पार्टी इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और इसका कारण ये बताया कि विचारों में बढ़ते फासले को देखते हुए निर्णय लिया है। जुबेर अहमद ने आम आदमी पार्टी सीनियर नेता और सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। चौधरी जुबेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो डालकर ये जानकारी दी है। संभावना यही लगाई जा रही है कि आने वाले विधानसभा में वे आम आदमी पार्टी की तरफ से सीलमपुर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि अब्दुल रहमान का टिकट कट जाएगा। इसके साथ ही उसका ये भी असर होगा कि मतीन अहमद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र काफी मजबूत है। जुबेर चौधरी ने इस कदम से कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चौधरी मतीन अहमद सीलमपुर में से 5 बार के विधायक रहे हैं। वे कांग्रेस के टिकट के अलावा निर्दलीय भी यहां से जीत चुके हैं। दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही पूर्वी दिल्ली के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। हर छोटे बड़े बाजार सज धज कर तैयार हो गए हैं और लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने शादरा मार्केट के दुकानदारों से बात की और मार्केट का जायजा लिया, जहां काफी रौनक देखने को मिली और मार्केट में जाम की भी स्थिति देखी गई। दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि मार्केट में काफी चहल पहल है। कोविड के बाद से धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं। दुकानदारों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ज्वेलरी ऑनलाइन नहीं मिलती, इसलिए लोग सोना चांदी का सामान दुकान पर आकर ही लेना पसंद करते हैं। वहीं बर्तनों की दुकान पर भी भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि आज फुर्सत ही नहीं मिल रही है, धनतेरस वाले दिन लोग काफी चीज खरीद रहे हैं। शादरा का छोटा बाजार बहुत ही पुराना है और यहाँ पर लोगों को शॉपिंग करते हुए पार्किंग की दिक्कत होती है। वहीं हमारे संवाददाता ने लाल क्वार्टर मार्केट का जायजा लिया, जहाँ मार्केट में आने और जाने वाले दोनों रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए। इसी को लेकर मार्केट एसोसिएशन ने बताया कि यहाँ पुलिस व्यवस्था तो काफी अच्छी है, लेकिन मार्केट में बीच रोड पर 200 से ज्यादा रेड़ियां लगी हुई है, जिसकी वजह से रोड का आधा हिस्सा घिर गया है। ग्राहक मार्केट के जाम में फंस रहे हैं। फेस्टिवल सीजन की रौनक भीड़ में ही तब्दील हो गई है। वहीं ज्वेलर का कहना है कि मार्केट में आज धनतेरस के अवसर पर लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार सोना कम खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना काफी महंगा हो गया है। वहीं ज्यादातर महिलाओं की पहली पसंद अब डायमंड भी बनता जा रहा है। बहुत दिक्कत आई छोटे बाजार में इस टाइम। कितने जाम है? बहुत ज्यादा जाम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हर साल होता है त्योहारों पे। तो ये छोटा बाजार का इलाका है।
शाहदरा का छोटा बाजार का इलाका है। मुझे घर से निकलने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं। बच्चे को स्कूल लेने के लिए पहुंचना है मुझे। शॉपिंग ऑलमोस्ट सारी हो गई है और हम रहते पहले यहाँ रहते थे, अब गाजियाबाद रहते हैं, तो गाजियाबाद से यहाँ आए हैं शॉपिंग करने। तो ठीक है, कितना क्राउड देखने को मिलता है? क्राउड तो हमेशा यहाँ फुल ही रहता है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो कितना ट्रैफिक यहाँ? ट्रैफिक तो ओवर ट्रैफिक है, मतलब ना तो गाड़ी ले आ सकते हैं यहाँ पे, ना टू व्हीलर। बहुत आ रहे हैं, आ ही रहे, जा ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बस अपना काम चलाने के लिए ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद कर रहे हैं वो बर्तन लेने में, तो क्या सबसे ज़्यादा ले रहे हैं? हमारे पास तो पीतल, ये ब्रास होता है, कॉपर और स्टील भी सभी बिकता है थोड़ा। बाजार में आज भीड़ कम है, ग्राहक भी कम है, लेकिन सब आदमी अपने काम धंधे पे तैयार बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि शाम तक भीड़ बढ़ेगी? उम्मीद तो है जी। लोग अगर लेना अगर पसंद कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या लेना पसंद कर रहे हैं? धनतेरस में अधिकतर बर्तन या सोना खरीदता आदमी, अधिकतर बर्तन है, लोटा है, चम्मच है, गिलास है, अपने टाइम काट रहे हैं बस। देखिए, लोगों की तरफ से पूरा सहयोग मिलता ही है, हमेशा मिलता है, और जोर शोर से पूरे बाज़ार की एसोसिएशन प्लस लोग हर तरीके से, पूरा आप बाज़ार देखेंगे बहुत अच्छी तरह सजा हुआ है, और लोगों का सहयोग यह है कि वो हमारे व्यापार में ऑनलाइन शॉपिंग से दूर हैं, वो इसलिए बाज़ारों की रौनक है, कपड़ा और जेवर ये ऑनलाइन से दूर है, तो हमारा जो ग्राहक है वो हमारे पास ही आता है, ऑनलाइन नहीं खरीदता। वृद्धि तो नहीं हुई है, मैं नहीं कहूँ, पिछले 10 साल में जिस तरीके की महंगाई हो गई है और बाज़ार में थोड़ा सा जो सुनने में आता है कि पैसा लोगों पे अभी इतना नहीं है कि वो एक्स्ट्रा, एक्चुअली सोने का और चांदी का भाव इतना हो गया है ना कि जिसकी वजह से जो गिफ्टिंग में है वो अब चांदी या सोना नहीं चलता। आज चांदी 1 लाख रुपये का भाव है, एक ग्लास ही हम खरीदते हैं तो वो 10,000 रुपये का आता है। हर क्वार्टर मार्केट में रौनक ही रौनक है, इतनी रौनक है कि मैं अभी मार्केट से होता हुआ आ रहा था तो यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेटली मैंने गिना 160 रेहड़ियाँ जो कि 1 किलोमीटर के दायरे में बीच में लगी हुई थी, तो उनमें से मैंने 10 लोगों से पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड? तो ना तो उनके पास आधार कार्ड है, ना उनके पास कोई भी प्रमाण है कि वो यहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं, कहाँ के हैं। कल एक मॉक ड्रिल हुई यहाँ पर जिसमें अग्निशमन आया, एम्बुलेंस आई, अधिकारी आए, उन्होंने एक बम को डिस्ट्रॉय करके दिखाया, उसके बाद बाइट दी, बहुत कुछ दिया। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं अपनी खरीदारी करने के लिए, और जैसे धनतेरस है, धनतेरस का तो त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लोग यहाँ पर हर तरीके की खरीद फरोख्त करते हैं। और अगर हम बात करें सुरक्षा की, सुरक्षा में पुलिस हमारा बहुत सहयोग कर रही है, अभी कल भी यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया था तो उसके मद्देनज़र कई इन्होंने सुरक्षा के जो हैं कदम उठाए, बैरिकेडिंग लगाई है, मचान वगैरह लगाए हैं। बस एक हमारी शिकायत जो है वो ये है कि इन्होंने हमारे रोड के बीचों बीच रेहड़ियाँ लगवा दी जो कि सुरक्षा के हिसाब से भी गलत है और बाजार के हिसाब से भी गलत है। जो हमारे इधर लाल क्वार्टर एसोसिएशन में पूरी मार्केट में रौनक बहुत अच्छी है, इंतजाम सिक्योरिटी का बहुत अच्छा है, हमारी दिल्ली पुलिस, कृष्णनगर थाना अध्यक्ष पूरा सिक्योरिटी में पूरा राउंड में रहते हैं दिन रात, और सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया इंतजाम है और भीड़ पूरी है बाजार के अंदर। खासकर शाम के टाइम बाजार की रौनक बढ़ जाती है? शाम को ज़्यादा भीड़ होती है, 6 बजे के बाद से लेकर रात को 10-11-12 बजे तक अच्छी रौनक होती है। थोड़ा सा इनको ये कंट्रोल करना चाहिए, जो बाहर के लोग आके पटरी बीच में सेंटर में, देखो आप लाल क्वार्टर देखो सेंटर में पटरी लगी हुई है, वो हटनी चाहिए, जबकि दुकानदार को इसकी सुविधा होनी चाहिए, लाइट वाइट सब लगाते हैं, बाजार की रौनक करते हैं, तो ये लोग अपनी कहाँ से आके बीच में लग जाते हैं, ये चीज़ हटनी चाहिए, इसके कारण भी जाम बहुत लगता है। धनतेरस के उस पर लोगों का क्राउड अच्छा है, काफ़ी रश है, लोग अच्छे से खरीद रहे हैं धनतेरस पे। हाँ जी, थोड़ा सा रेट बढ़ा है, उसकी वजह से थोड़ा सा काम स्लो है, लेकिन धनतेरस के उस पर काम अच्छा है। आज मैं चेन परचेज करने आई हूँ और रेट इनका बेस्ट रहता है, मेकिंग प्राइजेज भी इनके बेस्ट रहते हैं, सब कुछ इनका ओके रहता है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूर्वी दिल्ली में आज वंडावली से सर्वोदय विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। सीएम आतिशी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा क्रांति का जनक बताते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से स्कूल की हालत सुधरी है। आतिशी ने यह भी आशंका जताई कि अगर आगामी चुनाव में किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया तो दिल्ली के सरकारी स्कूल भी प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। दूसरी
पार्टी ये स्कूल प्राइवेट कर देगी और इनमें भारी फीस देनी होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्कूलों की दशा सुधार दी है। सिसोदिया ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने 2 स्कूलों का शिलान्यास किया था और मंडावली के स्कूल में अब आलिशान बिल्डिंग खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा स्कूल ईस्ट विनोद नगर में है जो कि 1 महीने में शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में रहते हुए भी मैं आतिशी को ये मैसेज भेजता था कि मेरे इलाके में दोनों स्कूल मेरे जेल से बाहर आने से पहले बन जाने चाहिए और उन्होंने ये वादा पूरा किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले, तो अब ये अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य देना हम लोगों के हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। अब आपको ये तय करना है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो। पहले मैं इसका शिलान्यास करके गया था और जेल से आने के बाद मैं ये पहला स्कूल है जिसका उद्घाटन कर रहा हूँ। मैं सोचता रहता था कि 2 स्कूल मेरी विधानसभा में थे, मैं आतिशी जी को, क्योंकि मेरे बाद वो शिक्षा मंत्री बनी थी, मैं उनको मैसेज भेजता था कि मैडम मेरी विधानसभा के दोनों स्कूल जल्दी से बनवा देना, मैं बाहर आऊँ तो बने हुए मिलने चाहिए। दिवाली और छठ पर्व त्योहारों के मौसम में दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग बाजारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का जायजा खुद डीसीपी बाजार में जाकर कर रहे हैं, जहां और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, अधिकारियों को उसका निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं लगातार हर जिले में फ्लैग मार्च से लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार में पहुंची और उन्होंने पुलिस बल के साथ मार्केट का निरीक्षण किया। उनके साथ जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा की जांच के दौरान मार्केट में लोगों से मुलाकात भी की। कृष्णानगर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। थाना कृष्णानगर को एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि कृष्णानगर लाल क्वार्टर के पास एक लवारिश बैग मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंची, बैग की जांच की तो बैग में टैब और वायर रखा हुआ था। बाद में पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी जिसका उद्देश्य सुरक्षा के इंतजामों को परखने के साथ विभागों की सतर्कता और मौके पर पहुँचने के समय की जानकारी लेना था। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिवाली और बाकी त्योहारों के मद्देनज़र यहाँ पे मार्केट्स में काफ़ी हैवी फुटफॉल है, काफ़ी हैवी रश है। इसी के मद्देनज़र हमने बहुत पहले से ही मार्केट एरियाज़ और पब्लिक स्पेसेस को ध्यान में रखते हुए एक पेट्रोलिंग प्लान तैयार किया था, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इलाकों में मैक्सिमम पुलिस विजिबिलिटी और पुलिस प्रेजेंस दिखती रहे। उसके अलावा एंटी टेररिस्ट मेजर्स भी हमने काफ़ी इम्प्लीमेंट किए हैं। रीसेंट हाई अलर्ट के मद्देनज़र हमने कंटिन्यूस मार्केट एरियाज़ में सर्वेलेंस रखी है, मार्केट एसोसिएशंस और आइज एंड ईयर स्टेक होल्डर्स को टच किया है, उनको सेंसिटाइज किया है, जो सेफगार्ड्स हैं वो उनको बताए हैं। उसके अलावा भी कंटिन्यूसली मार्केट एरियाज़ में हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं जी। सिक्योरिटी के मद्देनज़र लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने मतलब त्यौहार को इंजॉय करें, बट एट द सेम टाइम पब्लिक सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए अपने सेफगार्ड्स भी इंश्योर करें। जहाँ भी पब्लिक एरिया में जाते हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, मार्केट एरिया हो गया, या कोई भी कॉमन पब्लिक स्पेस है, वहाँ पे ध्यान रखें कि कोई भी सस्पिशियस आदमी या लवारिस वस्तु अगर उन्हें दिखती है तो अपने पास जो भी उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशन दिखता है, जैसे कि पुलिस हो गई, जेटली इन्फॉर्म करें और ये सरकार के नोटिस में लाए। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर लाल क्वार्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पुलिस को एक लावारिस बैग मिला था और आप देख सकते हैं कि ये वही लावारिस बैग है जिसमें हड़कंप मच गया था और इलाके में काफ़ी हलचल मच गई थी। इलाके के जो SHO हैं, तमाम अधिकारियों, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कॉल मिली थी और कितने बजे कॉल जो है आपको प्राप्त हुई? ये 2:23 पर हमें कॉल मिली थी कि दिल्ली जूस कॉर्नर लाल क्वार्टर जो मार्केट है उसके बाहर एक संदिग्ध बैग है जिसके अंदर वायर निकले हुए हैं, एक IC है। तो तुरंत ही कंट्रोल रूम को मैसेज पास किया और तमाम जो हमारी कंसर्न एजेंसीज हैं, FSL की टीम है, डॉग स्क्वाड है, BDT है, फायर, एम्बुलेंस, इन सभी को मौका पर बुलाया। सभी पुलिस और ऑफिसर्स यहाँ पहुँचे, उसको हमने BDT की और डॉग स्क्वाड की मदद से चेक कराया तो उसके अंदर वायर हैं, एक टैब लिपटी हुई और IC के साथ कनेक्टेड थी, तो उन्हें डिफ्यूज़ किया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद दोबारा हमने EVD से उसे चेक करवा लिया। सर, जिस तरीके से बात की जाए, कोई एक्सक्लूसिव इसमें मिला हुआ ऐसा, और जनता कितनी अवेयर है इसको लेकर?
नहीं, जनता काफ़ी अवेयर है। पूरी दिल्ली पुलिस के अंदर जनता को अवेयर करने के लिए मार्केट एरियाज में और RWMW के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, और अभी भी हमारा आईज एंड ईयर जो है पटरी वालों के साथ मिलके ग्रुप में इकट्ठा करके उन्हें हम जागरूक कर रहे हैं, इस बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई भी लावारिस चीज़ उनके सामान में आसपास उन्हें नज़र आती है तो पुलिस को तुरंत बताएं। जैसा कि आपने सुना कि ये एक मॉकड्रिल थी, मॉकड्रिल करवाई गई थी कि ताकि लोगों की अवेयरनेस भी देखा जाए और तमाम जो स्टाफ हैं उनके भी टाइमिंग चेक किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव दिल्ली। दिवाली और छठ पर्व का त्यौहार नज़दीक है। घर पहुंचने की जल्दी में आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बेशुमार भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आनंद विहार बस अड्डे से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली की ज़्यादा भीड़ रहती है। इसी पर हमारे संवाददाता ने आनंद विहार रोड का जायजा लिया और यात्रियों से बात की, जहाँ काफ़ी जाम की स्थिति देखने को मिली। वहीं यात्रियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाने वाली बसें फुल हैं और प्राइवेट बसों की भी संख्या ज़्यादा हो गई है। यात्री ने बताया कि मैं मुरादाबाद जाना चाहता हूं लेकिन मुझे सुबह से बस नहीं मिल रही है। यात्रियों ने पहले से ही अपनी टिकट बुक करवाई हुई है। रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे यात्रियों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों ने भी पीने के पानी की व्यवस्था जगह जगह बनाई हुई है। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए एंट्री और एग्जिट की लाइन और गेट भी अलग अलग किए हुए हैं। दिल्ली के पूर्वी जिला के थाना परपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शाने अली और अरमान के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक चोरी का मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल गश्त पर थे जब पिंक बूथ ISBT आनंद विहार पर उन्हें गुप्त सूचना मिली कि गाजीपुर गाँव की ओर से दो व्यक्ति मोबाइल फोन छीनने के इरादे से आ रहे। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश की टीम ने जाल बिछाया और जब पुलिस पार्टी आउटगेट के पास पहुंची तो उन्होंने एक सफेद रंग की मोटरसाइकिल पर दो लोगों को देखा जो गुप्त मुखबिर द्वारा बताए गए थे। पुलिस पार्टी ने अपनी पहचान बताई। सतर्कता के साथ थोड़ी ही देर पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी में एक चोरी का मोबाइल फोन और जिपनेट में जांच पर मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली। गांधीनगर के विधायक अनिल बाजपेयी ने नेशनल हाईवे पुष्कर रोड पर अवैध पार्किंग का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने बताया कि MCD द्वारा संचालित बताई जाने वाली ये पार्किंग वास्तव में असली नहीं है। विधायक अनिल बाजपेयी ने बताया कि कागजी जांच के दौरान पाया गया कि MCD ने यहां से पार्किंग काफी समय पहले हटा दी थी। बावजूद इसके कुछ अज्ञात लोग और राजनीतिक समर्थन के कारण यहां धांधली चल रही है। वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्र राजमार्ग प्राधिकरण से भी पार्किंग के बारे में जानकारी मांगी जो कि झूठी साबित हुई। उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर इस अवैध पार्किंग को हटाने का वादा किया है। आपने पार्किंग की बहुत अच्छी बात। अभी फ्राइडे को मैं नेशनल हाईवे के चेयरमैन से मिलने गया था अक्षरधाम मंदिर। मैंने उनसे कहा, अभी मैंने सच्चो गांधीनगर से बात की थी, वो कह रहे जी तो MCD की ऑथोराइज पार्किंग है। DC को बोले जी पहले थी अब नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने NHI से बात की, हैव यू अलॉटेड पार्किंग एनी नोडल एजेंसी? उसने कहा नहीं, हमने एजेंसी नहीं दी है। आज चिट्ठी मेरे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी की आएगी, उनके अधिकारियों के मुताबिक पुस्ते रोड पर चलने वाली पार्किंग किसी के पास नहीं है, उसके बाद वहाँ पर अवैध पार्किंग चल रही है और उसके जिम्मेदार MCD के वरिष्ठ अधिकारी, ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, दुकानदार सारे वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अवैध रूप से पार्किंग की वसूली वहाँ गाड़ियों की जा रही है, 100 रुपये घंटे के हिसाब से लिए जा रहे हैं। और आज चिट्ठी आएगी, उसके बाद दिवाली बाद इस पर आंदोलन करेंगे और एक मुहिम चलाएंगे। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में ठगठग गैंग का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बता दें ठगठग गैंग शिकायतकर्ता विक्रम सिंह रावत के 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। दरअसल कंसल्टेंसी कंपनी में काम करने वाले विक्रम सिंह रावत HDFC बैंक में 5 लाख रुपए निकालकर लक्ष्मीनगर स्थित विकास मार्ग के एक दुकान पर चश्मा लेने के लिए पहुंचे। वह गाड़ी में पैसे रखकर दुकान पर चले गए। करीब 10 मिनट बाद जब वह गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में रखा पैसा ठगठग गैंग के सदस्य ने ड्राइवर साइड का शीशा तोड़कर पैसे लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। मौके पर थाना लक्ष्मीनगर की पुलिस टीम और क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। हमने 3:38 में HDFC बैंक से कैश विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद हम विकास मार्ग पे अपना चश्मा लेने आए।
हमने 2 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करी, तो हम जैसे ही 10 मिनट बाद वापस आए तो हमारी गाड़ी में से वो शीशा तोड़ के कैश निकाल चुका। कितने रुपए कैश थे इसके अंदर? 5 लाख रुपए थे। आज क्या काम करते हैं सर आप? हम कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लक्ष्मीनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो पुलिस क्या कह रही है, कुछ क्या सीसीटीवी कुछ पुलिस कार्रवाई अपनी कार्रवाई कर रही है? दिल्ली के NED साइबर टीम ने साइबर अपराध के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनीस अनवर भाई गोहिल, मोविन जाबिद अंसारी और पारस जितेंद्र भाई पटेल के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए 5 मोबाइल फोन, 6 सिम, 4 ATM कार्ड और 1 बैंक चेकबुक बरामद हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सूरत गुजरात में भोले वाले लोगों के बैंक खाते खोले और उन बैंक खातों का इस्तेमाल पूरे भारत में साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी में किया। दरअसल पुलिस स्टेशन साइबर NED दिल्ली में शिकायत मिली कि फोटोकॉपी पेपर के नाम पर 9,96,834 रुपए की ठगी की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह फोटो कॉपी पेपर खरीदने के लिए ई कॉमर्स ऐप अलीबाबा ब्राउज कर रहा था तो उसे GTTC LLC नामक एक कंपनी मिली जो बहुत सस्ते दामों में फोटो कॉपी पेपर बेच रही थी और उसने $4,800 यानी $410,000 के 8,000 रिम्स फोटो कॉपी पेपर खरीदने में अपनी रुचि दिखाई। उसके बाद जालसाज ने शिकायतकर्ता से उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। जालसाज ने शिपिंग शुल्क, कंटेनर जमा शुल्क, GST आदि सहित फोटोकॉपी पेपर बेचने के बहाने शिकायतकर्ता से कुल 9,96,834 रुपए ले लिए। जांच के दौरान पता चला कि ठगी की गई कुल राशि आशीष के नाम से PNB बैंक में जमा की गई। तकनीकी जांच और निगरानी के बाद टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गुजरात से पकड़ लिया। आरोपी अनीश अनवर भाई गोहिल और मोविन जाबेद अंसारी ने नौकरी देने के बहाने आशीष राठौड़ नामक गरीब और बेरोजगार व्यक्ति के नाम पर बैंक खाते खुलवाए थे। फिलहाल आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।